हमरा संगे उपस्थित छथि भोजपुरी सिने स्टार सुपर स्टार कही खेसारी लाल यादव और हिनका से बातचीत करै छी। खेसारी भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका मिथिला मीडियम में। थैंक यू। कैसा सफर रहा, चूँकि 6 साल पहले मैं कोलकाता में आपका एक इंटरव्यू किया था जिसमें राधे श्याम रसिया और आप दोनों पहुंचे थे, समय छटका था उस समय से और इस समय में बहुत बदलाव हो चुका है, आज सुपर स्टार हैं, कैसा लग रहा है वो समय? आज का समय अच्छा है, अपने घर परिवार से दूर रह के हर आदमी थोड़ा सा टेंशन में तो रहता है। वो दोस्त आज छूट गए हैं, वो बचपन छूट गया है, वो गांव वो मिट्टी छोड़ के आदमी, लेकिन आज करोड़ों माँ है मेरे साथ, करोड़ों बहन है, करोड़ों दोस्त हैं, करोड़ों बाप हैं, करोड़ों भाई हैं। तो पहले मैं एक माँ के प्यार से पला, लेकिन आज करोड़ों माँ के प्यार से पल रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है, करोड़ों माँ के आशीर्वाद और दुआ मिल रहे हैं मुझे। छठ का समय है और चूँकि छठ के कार्यक्रम में आए हैं और आपकी जो पहचान है वो जो मिट्टी की खुशबू है, जो ठेठी अंदाज है, उसको आपने पूरे विश्व में लहरा, परचम लहरा दिया उसका, दो लाइन अगर आप गुनगुना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक देखिए, छठ में कोई भी गाना दुनिया गा दे, लेकिन एक ही गाना है जो दुनिया के जुबान पे रहती है कि के अरे के रावा जे फरे लगावद से ओही पर सोगा मेरा रास, ओही पर सोगा मेरा रास। ऐसा गाना है कि जब तक धरती रहेगी शायद तब तक इसको दुनिया नहीं भूल सकेगी। आगामी क्या क्या योजना है, चूँकि गायकी से स्टारडम हो गया, अभिनय में आ गए, आगे क्या देख रहे हैं? मैं आगे देखकर कोई काम नहीं करता, मैं पब्लिक के दिल पर राज करना चाहता हूँ, चाहे मैं जिस विधि से करूँ, गलत नहीं करूँगा, अच्छा करके अपने पब्लिक के दिल में जगह बनाऊँगा, हमेशा उनके दिल को जीतने की कोशिश करूँगा। आगे क्या होता है, मेरी पब्लिक मुझे कहाँ तक पहुँचाती है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मेरी जज और मेरा हर चीज़, मेरा मास्टर से लेकर मैं एक विद्यार्थी की तरह हर वक्त परीक्षा देता हूँ, पास करना मेरे पब्लिक हाथ में है, बस उसी के सारे काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिथिला मीटर से बात करने के लिए। थैंक यू। इस चैनल को देखने वाले को ई छला है खेसारी लाल यादव, चूँकि एहिठाम जे से बहुत तरह भीड़ भऽ गेल छै और एहिमे जे छै से हिनका से बातचीत केनाइ बहुत मुश्किल है, और कैमरामैन रवि के संग हम ललित नारायण झा अपने लोग से एतहि विदा लेब, चूँकि देख रहल छियै जे पाछा कोन तरहक भीड़ छै, फेर आगा दोसर कोनो और कलाकार के संग।